को देख के निर्णय लिया था। 15 जो लोगों का जो दल है वो कहाँ जाके बढ़ता, जयपुर हुई जयपुर जयपुर से जयपुर जयपुर सेकंड। आप कह रहे थे आंदोलन शुरू करने से पहले इस बार आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है सर कि सरकार से हर बार की तरह बढ़ता होगी। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, वार्ता तो करनी पड़ेगी। इन्विटेशन मिला वार्ता के लिए, मैं आज 15 आदमी भेज रहा हूँ डेलीगेशन, मैं स्वयं नहीं जा रहा हूँ। 15 मई को अड्डा और अड्डा में जो महापंचायत है उसके कारण मैं नहीं जा रहा। ये डेलीगेशन जो भी वार्ता होगी उसके रिजल्ट्स लाएगा और हम इन रिजल्ट्स को पंचायत को सुनाएंगे। यदि महापंचायत में मैं इसको स्वीकार किया जाएगा तो हम इस स्वीकार, और नहीं तो आंदोलन भी। कौन कौन जा रहा वार्ता में? 15 लोगों के नाम है, हिम्मत सिंह गुजर, शैलेंद्र सिंह एडवोकेट, देवी सिंह बुढ़वार, श्री राम जी बैसला, बुरा भगत जी, हाकिम सिंह बैसला, शीश राम जी माटसा, मेरा राम जी रायका, खिया राम जी रायका, आतर सिंह जी, मुकेश जी कोटपुतली, दीवान जी शेरगढ़, टीकम सिंह जी पावटा, प्रहलाद जी रसेरी, कल्याण सरपंच अड्डा और मानदाता सिंह। इन लोगों की ओर से मंत्री आपकी कमेटी जा रही है तो इसका क्या रुख रहेगा, सरकार की क्या मांग रही है? देखिए, सरकार से जो हमने जो मांग रखी है आपके माध्यम से, जो भी हमने बताया है कि हमें 5% OBC के वर्गीकरण करके 5% चाहिए, 50% से ऊपर 3 बार विधेयक लाए, 3 बार विधेयक खारिज हो चुके हैं। अभी जो संवैधानिक जो रूप है वो संवैधानिक रूप 5% 50 के अंदर चाहिए, तो उसकी मांग हमने कर रखी है। सरकार को पता है कि हमारी मांग क्या है। अब सरकार क्या प्रस्ताव देती है, जो मंत्री जो जिन्होंने हमको बुलाया है, जो कलेक्टर के माध्यम से जो हमारे पास जो वार्ता का जो प्रस्ताव आया है, तो हम जाके बात करेंगे। वो क्या प्रस्ताव देते हैं इस बारे में, वो प्रस्ताव देंगे उसको हम कल अड्डा में महापंचायत होगी उसमें आके उसकी घोषणा की जाएगी। यदि प्रस्ताव मान्य होगा समाज को तो प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे, यदि मान्य नहीं होगा तो आगे की हम लोगों की जो भी आंदोलन की रणनीति है वो कल आपको खुलासा बता देंगे।